अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एक और फैमिली के साथ यहाँ आउटिंग पे जा रहा हूँ। आज वीकेंड है ना, मैं मिसनब जा रहा हूँ यहाँ पे एक आउटिंग करने के लिए। वीकेंड है और ये रास्ते के सीन्स आप देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, रोशनियों का समा है। और मिसनब पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे जो मिसनब का पार्क है वो देखने वाला है। बहुत ही खूबसूरत पार्क है, वाटरफॉल वहाँ पे है, वाटर फाउंटेन है और रोड के ऊपर ही है वो। तो बहुत खूबसूरत वहाँ का, वहाँ के मनाजिर हैं। बहुत सारी फैमिलीज वीकेंड पे आती हैं। ये बस ये थोड़ी देर में मिसनब आ रहा है तो फिर आपको दिखाते हैं, बल्कि मिसनब का एंट्रेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जी 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिसनब है और ये हम इसमें एंटर हो गए हैं। और इसके दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत ये खजूरों के दरख्त हैं। रात का समा है, रोशनियां हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। आगे भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये बल्दिया का है, ये मेरे लेफ्ट साइड पे ये खूबसूरत बिल्डिंग जो है ना मिसनब की बल्दिया की है। और ये मिसनब का स्टार्टिंग एंट्रेंस है, बहुत खूबसूरत सा ये राउंड अबाउट है। ये वाओ, कितना प्यारा राउंड अबाउट है। ये इस सिटी का सबसे बड़ा राउंड अबाउट है, बड़ा खूबसूरत है ये। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ये एक सिटी है। और हमने रोड के दूसरी साइड पे ये बस यू टर्न लेना है, वहाँ पे खूबसूरत सा पार्क आ जाएगा। ये बस इशारे पे मैं रुका हूँ और जैसे ही इशारे से मैं टर्न लेता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये इशारे से दूसरी साइड पे टर्न ले लिया, यू टर्न, और ये रहा मिजनब का बहुत ही खूबसूरत पार्क। ये आप देख सकती हैं, इसका वाटर फाउंटेन बहुत मशहूर है। इसके वाटर फाउंटेन के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। हमारे साथ एक दूसरी फैमिली है, वो अपनी दूसरी गाड़ी में है। और इसी पार्क के एक साथ ये बहुत ही फेवरेट ब्रांड फूड आइटम कुद्दू भी है। जैसे KFC है, KFC की तरह कुद्दू है। मैं ये पार्क के इस कोने पे यहाँ पे कार पार्क करने लगा हूँ क्योंकि आज रश बहुत है। और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत समा है, मज़ा आ रहा है जी, क्या बात है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत वाटर फाउंटेन है। और रात के इस टाइम 11:30 हुए हैं। ये हमारे साथ एक फैमिली है। और इस पार्क की खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे खजूरों के बहुत प्यारे दरख्त हैं और ये लैंडस्केप्स इसमें बहुत ज़्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। और मज़े की बात यह है कि इस पार्क का जो टॉप पॉइंट है जहाँ से ये वाटर आता है, पानी बहता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं उसी साइड पे जा रहा हूँ, ये चेक करें आप, ये है टॉप पॉइंट। पानी का बहाव बहाव ज़बरदस्त है। आह, क्या बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं आपको टॉप मीनार दिखाता हूँ जहाँ से वाटर फाउंटेन चलता है। ये बेसिकली ऊपर का टॉप मीनार है जहाँ से पानी बहता है। और पानी बहते बहते वो पार्क के स्टार्ट में जहाँ पे फवारा आपने देखा था उस साइड पे आता है। ये देखिए, ये पानी यहाँ से निकल रहा है और इन्होंने पानी को आगे बहने के बहुत सारे इन्होंने आगे छोटे छोटे से उन्होंने नाले बनाए हुए हैं। ये इरफान भाई सेल्फी ले रहे हैं। ये यहाँ से हम एंटर हुए थे, ये देखें पानी यहाँ से ट्रैवल करता है वो पार्क के मेन हिस्से तक। और सब्ज़ा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। रात के 12:30 हो गए हैं, आज हम बहुत लेट पहुंचे हैं और उन्होंने ये वाटर फाउंटेन बंद कर दिया है। और लोग यहाँ पे खाना वगैरह खा के यहाँ पे आउटिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं। हमने भी खाना खा लिया था तो अब वॉक कर रहे थे हल्की फुल्की सी। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर फाउंटेन जो बिल्कुल सेंटर में चल रहा था वो बंद कर दिया है क्योंकि 12:30 बजे तक ये चलता है, उसके बाद बंद कर देते हैं। तो टाइम काफ़ी हो गया, अब हम निकल रहे हैं वापसी के लिए क्योंकि तकरीबन 1:15 हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।